प्रदेश शैलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार से प्राप्त निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार समाहरणालय भोजपुर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा पर्यवेक्षण धनउपरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता पुष्पांजलि कुमारी, पारा विधिक स्वयं सेवक राम रक्षा तिवारी के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस विधिक जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक स्वयं सेवक द्वारा नशा से संबंधित बीमारी और उसके प्रभाव तथा इनसे बचने के निवारण के बारे में जागरूक किया गया, साथ ही इस संबंध में विधिक जानकारी से अवगत कराया गया। कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुसरण भी किया गया। इस अवसर पर भोजपुर जिले के विधिक सेवा प्राधिकार ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 5 विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला और सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर पूरे जिले में मार्च तक नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आगामी 13 फरवरी को मंडल कारा आरा में भी पुनः विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस तरह के इसलिए और जहां हम लोग आपको रखते हैं, ये नारकोटिक कंट्रोल जो योजना है नशा मुक्ति का, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, ठीक है ना। ये हर जगह नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है, पटना में भी है, हर स्टेट में है, जिला में है। पतंजलि वाले भी अपना नशा मुक्ति के लिए कुछ कुछ अपना टिप्स बताते रहते हैं। जैसे बहुत सारा टिप्स में है कि नशा करने वाले, जैसे दारू पीने वाले, और पतंजलि वाले बताते हैं कि हाँ दो उसमें गाढ़ा बनाइए, जब 12 किलो बच जाता है तो उसको सुबह शाम पीने से। अपना अपना टिप्स हर लोग बताते हैं, इसलिए इस सारे चीज़ों को हम लोग को देखना है, करना है। और मैं चंद्रमणि सिंह, हमारे भाई हैं वो राम रक्षा तिवारी, और पैनलाइजर हमारे पुष्पांजलि कुमारी जी हैं, और विशेष ये बताएंगे। और हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Myself, Pushpanjali Kumari, I am panel from DMSA Bhojpur. मैं आज आप लोग के समक्ष नशा मुक्त भारत